नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज नेटवर्क। तो अभी मैं द्रडू पंचायत में हूं और काफी बड़ी पंचायत है। तो यहां पर भद्रवा से हमारे तहसीलदार साहब और अशोक शर्मा जो सरपंच है, काफी इन्होंने मेहनत की, अवार्ड भी इन्होंने काफी ज्यादा अवार्ड लिए हैं और आज द्रडू के लिए ये यहाँ पर काफी स्ट्रगलर करते हैं और काफी सारे काम इनकी वजह से यहाँ पर हुए। तो आज पहले हमारे साथ यहाँ पर तहसीलदार साहब है, इनसे बात करेंगे कि आज पहली बार यहाँ पर जो द्रडू में टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, मैं एक तो शुक्रिया अदा करूंगा सरपंच साहब को मुझे यहाँ पे शामिल करने के लिए। ये कॉस्को बॉल का टूर्नामेंट हो रहा है जो द्रडू प्रीमियर लीग के नाम से जाना जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को एक तो एंगेज रखना, एक मीनफुल पर्पस में बच्चों का, यहाँ पे हर एज ग्रुप से लोग हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। इससे एक खेल भावना प्लस आपसी भाईचारा का जो है एक रोल जो है पूरे इलाके में बना रहता है। तो मैं इन सबको मुबारकबाद दूंगा कि ये टूर्नामेंट अच्छे से हो और कंप्लीट हो। हमारा ये जो ग्राउंड में देख रहा हूँ, इसमें बड़ी देर से एक डिमांड है लोगों की कि ये आर्मी के पास है ग्राउंड, तो आर्मी इसको एक्सप्लेन कर दे कि हम वो खुद भी यूज करें आर्मी वाले, और इनके लिए भी जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल जाए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से भी आर्मी से टेकअप करें कि इस ग्राउंड को वो एक लेवल करके एक अच्छा ग्राउंड बनाए कि हमारे आगे पीछे इस इलाके के जितने लोग हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये थे हमारे भद्रवा से तहसीलदार साहब, इनसे हमने बात की। तो अभी हम हमारे जो सरपंच साहब हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि काफी स्ट्रगलर जो इन्होंने की, तो ये क्या कहना चाहेंगे। तो जी सर, स्वागत है आपका जय भारत न्यूज नेटवर्क में। तो क्या कहना चाहोगे आज, हम देखते हैं कि आपने काफी ज्यादा द्रडू पंचायत से पहले काफी सारी पंचायतें, जैसे मैं बचपन में छोटा था तो हंगा आपके पास होता था, गुतासा आपके पास होता था, द्रडू था और भी काफी सारी, एक ही बहुत बड़ी ये पंचायत हुआ करती थी, लेकिन आज द्रडू जो पंचायत है तो यहाँ से आप हर बार जीतते, तो क्या कहना चाहेंगे आप। ये पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए हैं। आज ये टूर्नामेंट यहाँ हमने जो शुरू किया, इसके लिए हमने तहसीलदार साहब और हमारे नए तहसीलदार साहब जो हैं उनको दावत दी थी और वो यहाँ पर आए, हम इनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रहा ये टूर्नामेंट का, तो इससे हमें ये महसूस होता है कि ये बच्चे यहाँ पर एंगेज हो जाएंगे, जो बुरी आदतें होती ड्रग्स वगैरह की उससे बचाव हो जाता है। तो बच्चों का बड़ा ये डिमांड थी कि हम यहाँ पर टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट की और ये भी यहाँ आ गए, तो आज हमने शुरुआत की है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तकरीबन 30-40 टीमें जो हैं वो यहाँ पर मैच खेलेंगी, और जब फाइनल होगा तो हम उनको अवार्ड वगैरह जो दिलाएंगे, तो उस दिन भी हम तहसीलदार साहब और सकेगा तो और भी यहाँ पर ऑफिसर जो हैं उनको भी बुलाएंगे। बाकी रहा तो ये हमारी जिम्मेवारी है, लोगों का मेरे साथ ताउन है, लोग मेरा साथ देते हैं तो मुझे भी हिम्मत होती है काम करने की। जितनी भी कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा काम हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं बहुत काम कर रहे हैं, तो हमें भी दिल कहता है काम करने के लिए, तो उसी हिसाब से हमें बहुत खुशी है इसके लिए प्लान करने के लिए। जैसे कि तहसीलदार साहब जी ने अभी कहा कि इसको हम भी आपका साथ देंगे, तो हम आर्मी वालों से भी बात करेंगे, तो एक दिन ये अच्छा ग्राउंड बन जाएगा और दूर दूर से पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी यहाँ आकर टूर्नामेंट कराएंगे। तो आज यहाँ पर द्रडू में मैच जो शुरू हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा जो सरपंच साहब ने भी बातें की कि यहाँ पर 40 तक यहाँ पर टीमें जो हैं खेलने आएंगी, और अगर ये जो यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो छोटी सी पिच बनाई गई, इस पिच को अगर बड़ा किया जाता तो कितना अच्छा यहाँ पर एक काफ़ी जहाँ पर ये लड़के बाहर से भी आकर यहाँ पर मैच खेल सकते हैं, तो कितना अच्छा यहाँ का जो यूथ है, यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेस्ट रहेगा, और इतना बेस्ट रहेगा कि जितने भी, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि हमारा जो भद्रवा है बहुत अच्छी यहाँ का जनरेशन है और खेलों की तरफ रुझान करें, और ऐसा इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो बच्चे हैं तो अगर वो खेलते हैं तो वो दूसरी जो साइडें हैं जैसे कि नशा है या कुछ है तो उसकी साइड न जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।